किसी ट्रिक की धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली क्या आज हम बात करने वाला है क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने के लिए एक नया एप्लीकेशन आप सबको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले गाइस अगर आपसे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहता हूँ टाइम टाइम पे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बता दो कि ये जो एप्लीकेशन है नया एप्लीकेशन है, अभी ओनली फॉर 100 आदमी ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो मैं आपको एक बात का सजेशन देने वाला हूँ कि गाइज कोई भी एप्लीकेशन से अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो सबसे पहले कम अमाउंट ट्रांसफर कीजिएगा, न कि बड़ा अमाउंट एक ही बार में शुरू कर दीजिएगा। जो कि क्योंकि होता क्या है, इससे पहले मैं बहुत सारा ट्रिक बनाया था जिसमें बहुत जन का अभी कैसे है कि ट्रिक काम नहीं कर रहा, ट्रिक अभी भी सब काम कर रहा है, बट होता क्या है पैसा लेट आता है, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बाद ऐसे पता लेट लगता रहता है, उसके बाद जाके आपके बैंक और मनी ट्रांसफर होता है। और बहुत सारा ट्रिक जो है फ्री वाला ट्रिक सब है बंद भी हो चुका है, तो फ्री वाला ट्रिक अभी काम नहीं कर रहा फिलहाल। बट जो भी आप वर्किंग ट्रिक में जो अगर आप ढूंढेंगे तो आप सबके लिए कुछ चार्जेबल ट्रिक जो है आप सबको देखने को मिलेगा। तो ये भी ट्रिक चार्जेबल है लेकिन बहुत कम चार्ज आपको देना पड़ेगा, ओनली फॉर 2% में आप सब अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये एप्लीकेशन को देख लीजिए स्विफ्ट पे, जो कि बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन आप सबके लिए है। साथ में ये जो नया एप्लीकेशन जो कि अभी तक 100 आदमी ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है, तो आप सबको रिव्यू के बारे में बताएंगे तो रिव्यू अभी कुछ भी इसका है ही नहीं क्योंकि नया एप्लीकेशन है। तो अभी आप सबको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं आप सबको जो प्रोसेस बताऊंगा अकाउंट किस तरीके से इसमें क्रिएट होगा, जो कि आपको अकाउंट क्रिएट होने में ही सबके मैं बता दूं कि अगर केवाईसी कोई भी एप्लीकेशन आप चालू करेंगे तो उसमें केवाईसी का प्रोसेस होता है, जब तक आप केवाईसी नहीं पूरा करते तब तक आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको केवाईसी किस तरीके से होगा और किस तरह से अकाउंट क्रिएट होगा ये पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ स्विफ्ट पे के बारे में। तो आप सबको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कीजिएगा। केवाईसी होने के बाद सबसे पहले आप 500 या 600 रुपया ट्रांसफर कीजिएगा, उसके बाद जाके बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिएगा। चलो गाइस इसके पर मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से अकाउंट को हम क्रिएट कर पाते हैं, फुल केवाईसी कितने दिन में आपका हो पाएगा। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और स्विफ्ट पे एप्लीकेशन को ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा था। तो अभी देखेंगे हमको एक ऑप्शन मिल रहा है ओपन का, तो आप सब ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलो फाइनली हम ओपन पे क्लिक करते हैं। गाइस आप सबको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप सबको प्ले स्टोर में जाना है और स्विफ्ट पे एप्लीकेशन को आपको सर्च करना है। तो आप सबको बहुत ही ईजी तरीके से ये एप्लीकेशन मिल जाता है जो, तो चलो हम फाइनली पूरा प्रोसेस का बताते हैं किस तरीके से अकाउंट ओपन कर पाएंगे, साथ में केवाईसी किस तरीके से होता है। गाइस मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जब तक आप ये एप्लीकेशन को केवाईसी नहीं करते हैं तब तक इसमें एक भी रुपया ट्रांसफर मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा फंस भी सकता है केवाईसी नहीं करेंगे तो। लेकिन बट जब तक आप केवाईसी नहीं करते तब तक आप कुछ भी इसमें होगा ही नहीं। तो सबसे पहले जब जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसमें कुछ आपसे परमिशन मांगा जाता है, जैसे कि फोन का गैलरी हो गया, फोटोज हो गया, साथ में फोन कॉल्स का लेके कुछ परमिशन मांगा जाता है, रिकॉर्डिंग वीडियो का लेके कुछ परमिशन मांगा जाता है। तो आपको परमिशन अलाउ कर देना है, यानी कि डेन करना है, आपको अलाउ पे क्लिक करते हुए जाना है। चलो पहले हम अलाउ पे क्लिक करते हैं। जब जैसे अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल का जितना भी परमिशन लिया जाएगा वो आपको अलाउ हो जाएगा। अलाउ होने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपको ये अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, जैसे कि आप पर्सनल मोबाइल नंबर हो या किसी फ्रेंड का मोबाइल नंबर आपसे इसको यूज कर पाएंगे। तो चलो फिर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर से इस अकाउंट को ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है न्यू अकाउंट रजिस्टर का, ऊपर में दिया गया है लॉग इन का। इससे पहले आप लॉग इन किए हुए हैं तो ऊपर में साइन अप का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलो फिर यहाँ पर नया अकाउंट हमको बनाना है, इसके लिए मैं नया अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, जिसकी न्यू अकाउंट रजिस्टर का एक प्रोसेस दिया गया है। तो फाइनली आप न्यू अकाउंट रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सबसे पहले ऊपर में एक नाम दिया गया, जैसे फुल नाम आपका हो गया, नीचे मोबाइल नंबर, उसके बाद एक ईमेल आईडी और अपने मन से एक आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। चलो फाइनली अपना ये भी प्रोसेस हम पूरा करते हैं। अगर आप सबको याद रहे जो भी आपका आधार कार्ड पर पूरा नाम रहता है वही नाम आप इधर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर चाहे तो आप अल्टरनेट डाल सकते हैं, उसमें कुछ भी इसमें इशूज नहीं होगा, बट जब आप नाम जो डालते हैं आप पूरा नाम आप डालिएगा। जैसे कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है तो मैं पूरा नाम डालता हूँ धर्मेंद्र कुमार यादव, या तो आप धर्मेंद्र यादव डालेंगे तो कुछ इसमें इशूज हो सकता है, इसके अलावा पूरा नाम इसमें डालिएगा। चलो फिर अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और साथ में अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया हूँ, उसके बाद फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर इधर अभी आप फिल किए हैं उसी मोबाइल नंबर पे एक 4 digit का OTP सेंड किया जाएगा। तो ये OTP इधर आपको फिल करना है। तो चलो हम OTP का इंतजार करते हैं जो कि हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। ये OTP का जब देखेंगे हमको स्विफ्ट पे की तरफ से एक 4 digit का OTP भी आ भी चुका है। तो चलो फाइनली हम ये OTP इधर फिल करते हैं। फिल करने के बाद फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब जैसे सबमिट पे फिल करेंगे आपका अकाउंट फाइनली तरीके से क्रिएट हो चुका है। अभी आप देखेंगे सक्सेसफुली मेरा अकाउंट बन चुका है। तो अभी आप जो अपना पासवर्ड और जो अपना मोबाइल नंबर डाले थे वही मोबाइल नंबर वही पासवर्ड आपको फिल करना है, उसके बाद फाइनली आपको सबमिट पे
क्लिक कर देना है। जब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी आपको ओनली फॉर केवाईसी करना अनिवार्य है। जब तक आप इस एप्लीकेशन को केवाईसी नहीं करते हैं तब तक आप मनी ट्रांसफर इस एप्लीकेशन से नहीं कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड एक आधार कार्ड होना चाहिए। जब तक आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तब तक आप ये एप्लीकेशन में केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो चलो फाइनली अपना पैन कार्ड आधार कार्ड साथ में आपका एक सेल्फी लगेगा तो ये वो फिल करना है। उसके बाद फाइनली आपको ऑटोमेटिक 24 आवर्स वेट करना है। 24 आवर्स के बाद आपका ये वॉलेट का केवाईसी फुल तक आपका केवाईसी फुल नहीं होता है तब तक आप इस एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइस फाइनली तरीके से अपना पैन कार्ड आधार में खुद अपना एक सेल्फी में इधर फिल किया हूँ। सेल्फी फिल करने के आपको 24 आवर्स वेट करना है यानी ओनली फॉर 2 डेज आपको वेट करना है। 2 डेज के बाद आपका ये वॉलेट फुल केवाईसी हो जाएगा। उसके बाद जाकर आपका पूरा जो इसका इंटरफेस है आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसका जो आय का प्रोसेस है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलो हम वेट करते हैं केवाईसी के लेके। जैसे ये मेरा वॉलेट केवाईसी हो जाएगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दे देंगे। तो गाइस आप सब इस तरीके से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से यूज करके अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कर पाते हैं अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन केवाईसी जब तक आपका फुल केवाईसी नहीं होता है तब तक आप इस एप्लीकेशन में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जरूर वीडियो का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।